सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत आप सबका आज के व्लॉग में। सिब्बू गिरी कहाँ पे चली रेडी होकर कि जा भाई छोरी घर जाए घर आके करेगी किम काम है अखनू में जाए टाइम पास करने थी याद आ रही है घर की याद आ रही है। अच्छा ये देख लो सिब्बू ऐसे ही रेडी होके निकल पड़ी है घर जाने के लिए और मैं रेडी हूँ मैं भी रेडी हूँ शूज डालने। अरे तो बता तो रहा हूँ भाई इसने अपने सिर में तेल लगाया था इसलिए अपना घर जाके नहाएगी धोएगी तो कल वाले ही कपड़े डाल रखे हैं। तो बता तो दिया तेल लगाने के बाद तो यार ऑब्वियसली मैं भी नहीं नहाता। मैं भी तेल लगा के कई बार छोड़ देता हूँ कि आराम से नहाऊंगा बाद में नहाऊंगा शाम को रात को आराम से तो क्या दिक्कत होगी। यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग डजेंट वरी डजेंट मैटर। हाँ भाई चल घर मतलब तू घर आ जाओगी मैं एनएसपी तक छोड़ दूंगा तने चलेगी। मैं बात क्या करूं मेरे को हरियाणवी नहीं आती समझ इसलिए तो करता हूं ताकि सीख जाए। क्या कल का व्लॉग कितना अच्छा बना था लोगों ने कितना एंजॉय किया व्लॉग को तो ठीक है हरियाणा में बोल लिया मेरी गल। चलो गाइस मैं एनएसपी जा रहा हूं। मैं तो हिंदी में ही बोलता हूं वैसे तो पर हरियाणवी बोलने में मजा जो आता है ना वो किसी लैंग्वेज में नहीं आता। एनएसपी तक मैं जाऊंगा क्योंकि एनएसपी मेरा पॉडकास्ट का शूट है और इसको एनएसपी छोड़ दूंगा फिर आगे सिब्बू कैब से कंटिन्यू करेगी। ठीक है कैब करवा के जाना कैब करवा के अंदर बिठा के छुड़वा के ओटीपी बता के और जब तक ऐसे बाय बाय नहीं बोल देता ना तेरी गाड़ी जा रही होगी कैब और मैं बाय बाय नहीं कर देता जब तक वहीं रहूंगा। ठीक है डन है राजी चल फिर चल मैं जूते पहन लूं फिर चल लेंगे। यो क्या आ गया भाई हाँ पहन रहा हूँ। आजा आजा जल्दी भीतर बढ़ ले और आके बैठ ले। ओए तुम दोनों अगर मेरी BMW छेड़ी पीछे से तो ये जो कोहरा हो रहा है ना इतना कोहरा हो रहा है कल ये चला रहा था आपकी गाड़ी ये अबे पीछे करके आगे ले गया था खम्मा कसम कसम तो नहीं ले गया था सोच रहा था ये ले जाने की बेटा ये सोच ना सोचता कि सही है इसको इम्प्लीमेंट मत करियो वरना ये जो कोहरा हो रहा है ना तू तो वैसे भी नहीं दिखेगा। चलो ठीक है बाय बाय BMW नहीं हम जा रहे हैं XUV में। ध्यान रखना 2 दिन में आ जाऊंगी। ओके इंस्टा का घर का अपना भी सबका ओके बाकी कुछ काम होगा मुझे फोन कर लेना और इसे समझा के जाओ इंस्टा को मारेगा नहीं मारता है इंस्टा को कमरे में बंद करके। तुम्हें कितनी बार बोला कैमरे लगवा दो अच्छा तुमने नहीं लगवाया ना सही में कह रही हूँ मैं। ठीक है डन है केक का पता चला कुछ आसमान खा गया जमीन निकल गई कुछ नहीं पता चला। कोई नहीं मुझे याद दिलाइयो मैं कैमरे लगवा दूंगा और तुम दोनों मेरे को बहुत चीज़ और तुम दोनों इंस्टा को मारना छोड़ दो। मैं नहीं बहुत पीटता हूँ सुकून मिलता है मार के। आओ बेटा नहीं मारता सेट रखता हूँ लेकिन काटता नहीं तो आके तो काटता तो वैसे भी नहीं। मैं बोलूंगी भैया जितनी बार फोन करके और वीडियो बना के दिखाओगे ना कि ये मारा है उतनी बार 500 रूपए एक्स्ट्रा दूंगी। ये सही है बातचीत कर लो उनसे 50-50 कर लेंगे हम दोनों 50-50 क्या करेगा दस वीडियो। बेटा मारियो मत इंस्टा को बाय। देखो देखो दो छपरी बग्गे। चलो गाइस ये कर ली बंद गाड़ी बाय BM भाई बाहर देख लो कितना कोहरा हो रहा है और तुमने लगता होगा कि हम किसी दूसरे देश में गाड़ी चलाने लग रहे हैं बट ऐसा नहीं है बिकॉज दिस इज वन एंड ओनली हरियाणा। तो टेम्पो चला गया इंडिया से जब लग गया ना तो ऐसी फील आ रही थी जैसे तो फॉरन है ऐसी बू है ना भाई एक नंबर कोहरा हो रहा है कैमरे में फिर भी थोड़ा स्पष्ट दिखने लग रहा है बट आंखों से बहुत ज्यादा कोहरा नजर आ रहा है। अब NSP जाने में मेरे को देख लो लगेंगे 1.5 घंटे। तो भाई NSP पहुंच के भूख लगी थी तो रोल ले लिया है वैसे भूख सिब्बू को लगी थी सिब्बू के लिए रोल लिया तो मैंने सोचा मैं भी खा लेता हूँ सिब्बू को कंपनी मिलेगी फिर इसके बाद यहाँ से सिब्बू की कैब बुक करेंगे और ये सारा सामान लेके सिब्बू अपने घर चली जाएगी। कैब बुक अभी कर दूं आने में टाइम भी लगेगा ना फिर उसे NSP में भी टाइम लगता है थोड़ा बहुत लगेगा 2-4 मिनट। हाँ कोई नहीं मैं खाते खाते चली जाऊंगी बाय बाय। क्या बाकी सिब्बू की बाय बाय पिन बता देता हूँ इसको। हाँ बता दो भाई इसको जानते हो इसकी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी लुच्चा आदमी। अरे पीछे भाई तुम कौन हो वैसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये भाई ये मेरे साथ हैं। अच्छा तुम्हारे भाई है क्या? हाँ ये कैमरामैन भाई है आदिल नाम इनका। ओ भाई दाढ़ी तो जबरदस्त कर रखी है एकदम से वैसी वाली याद आ गई शेर बस कलर कराने की जरूरत है। हाँ बस वो कलर करवाना थोड़ा सा ए बार करके दिखाना भाई ऐसे शेर शेर लोटना भी तो है नीचे भी फाड़नी टी शर्ट। हाँ गंदी वीडियो एडिट हो रही है। अच्छा ठीक है सर कोई नहीं मुझे अपने घर पे नजर मिला लेता है घर को से अपने घर पे घर को से नजर मिला लेता है अभी यहाँ से बाहर निकल बता ना
क्यों भाई क्यों नहीं मिला सकता मैं, ऐसा क्या कर रहा हूँ भाई तुझे पता नहीं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता बोल मुझे तो पता है इस भाई को भी पता है। हाँ भाई, हाँ भाई सलून पे जाना है, मेरे सलून पे, मेरे सलून पे जाना है। हाँ भाई भैया कराने दे भैया, क्या हालत हो रखी है, छोटा सब हो जाएगा, यही है एनएसपी सर्जरी हो जाएगी, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना उसके ही हो जाएगा काम तुम्हारा। तो पानी डालते खोल जाओ यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे एनएसपी से, वो 24/7 देखा है जो डिस्काउंट जाना भाई 100% का। अरे बढ़िया ऑफर चल रहा है अभी तो, न्यू ईयर वगैरह के भी ऑफर चल रहा है तो जाओ और लुफ्त उठाओ। नहीं पहले मैं बहुत एवरेज था, फिर मैं गया हेयर पैलेस, फिर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी होके आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये पूरे 10,000 रुपए हैं सिर्फ आपके लिए। ये है मेरा फर्स्ट गिव अवे। आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, 1 जनवरी को मेरा गाना आने वाला है जीटी रोड की रानी, उसके ऊपर सबसे पहले तो आपको रील बनानी है, और ये उन लोगों के लिए वैलिड है जिन्होंने मेरे को फॉलो कर रखा होगा। अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई पहले ही हो जाओगे, तो सबसे पहले तो मुझे फॉलो कर लो और ये 10,000 रुपए आपके हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक और दूसरी शर्त है, गाने के ऊपर पूरी 10,000 रील्स होनी चाहिए। अब 10,000 रील्स में से जिसकी रील पे सबसे ज्यादा व्यूज होंगे वो ये 10,000 का विनर बन जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि 10,000 रुपए आप जीतो तो बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी रील्स बनाओ, जिसकी रील्स पे सबसे ज्यादा व्यूज होंगे वो गिव अवे का विनर बन जाएगा। जल्दी से जीटी रोड की रानी पे रील बनाना स्टार्ट कर दो।